Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum, classic students. I hope you all are fine. Open your science book, page number 76. First, we recite a dua, then, we will start our chapter. Rabbi zidni ilma. rab, mere ilme izafa farma. Now, we are going to continue our chapter, Composition of Air and Its Importance. First we will discuss about properties and uses of gases. Now we will discuss about nitrogen. Nitrogen gas is colorless, odorless, tasteless gas, most abundant gas in the air, inert gas, doesn't react easily with other gases, doesn't support the process of burning, slightly soluble in water. बेसिकली नाइट्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता स्मेल नहीं होती टेस्ट नहीं होता और ये सबसे ज़्यादा एयर में मौजूद होती है जो कि सेवेंटी एट परसेंट है और ये इजीली रिएक्ट नहीं करती किसी और सब्सटेंस के साथ इसीलिए हम इसे इनर्ट गैस कहते हैं और ये सपोर्ट नहीं करती बर्निंग में और ये सॉलेबल है वाटर में नाइट्रोजन इज़ यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड नाइट्रोजेन इज़ यूज इन प्रिप्रेशन ऑफ सम एंटीबायोटिक्स इट इज़ ऑल्सो यूज इन सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक सी पी यू टू प्रिवेंट इट फ्राम ओवर हीटिंग इट इज़ यूज इन डाइज एंड एक्सप्लोज नाइट्रोजन बेसिकली फर्टिलाइजर्स के तौर पर इसके अलावा एंटीबायोटिक्स में और फूड प्रिजर्व करने के लिए सीपीयू को कूल cool रखने के लिए और डाइस और एक्सप्लोजन के लिए यूज़ किया जाता है now we are going to discuss about properties of oxygen oxygen is colorless odorless tasteless gas second major component of air reacts readily with other substances causes the rusting of iron does support burning but doesn't burn itself slightly soluble in water so like nitrogen ऑक्सीजन भी कलरलेस ऑर्डरलेस और टेस्ट लेस गैस है लेकिन ये नाइट्रोजन से कम अमाउंट में होती है एंड इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ रस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग प्रोसेस में और सॉलेबल है वाटर में नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ ऑक्सीजन Oxygen is used by animals and plants for respiration. It is used for welding and cutting metals. It is used in combination with other gases in cylinders by sea drivers, mountain climbers, and astronauts for breathing. Oxygen cylinders are used in hospitals for patients having breathing problems. ड्यू टू इट्स सॉलिबलिटी इन वाटर वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ब्रीथ इन वाटर सो ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अर्थ फॉर रेस्परेशन इसके अलावा हम इसको वेल्डिंग के लिए कटिंग मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं सिलेंडर में भी ऑक्सीजन स्टोर की जाती है जो कि माउंटेन डाइवर्स माउंटेन क्लैंबर्स एस्ट्रोनॉट्स भी यूज़ करते हैं ताकि वो ब्रीथिंग कर सकें ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं पेशेंट्स के लिए जिनको ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं ऑक्सीजन वाटर में सॉलेबल हो जाती है इसी वजह से वाटर प्लांट्स वाटर एनिमल्स ब्रीथिंग में ऑक्सीजन यूज़ कर पाते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस

इट इज़ यूज इन मेकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग टू पुट आउट फायर सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई आइस इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड फोटो सिंथिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है जिसके जरिए प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होती है और फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस कहते हैं और वो ड्राई आइस यूज़ की जाती है फूड प्रिजर्वेशन में नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्गन एंड अदर नोबल गैसेस कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस केमिकली इनएक्टिव डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, नॉन फ्लेमेबल वेरी लो डेंसिटी सो आर्गन एंड अदर नॉबल गैसेज जो हैं वो नॉन फ्लेमेबल होती हैं इसका मतलब है कि उनसे आग नहीं लगती नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ आर्गन एंड अदर नॉबल गैसेस हीलियम इज़ यूज टू फिल एयर बलून्स एंड चिप्स नियन इज यूज इन साइन बोर्ड्स जिनॉन इज़ यूज इन फ्लैश बल्बस एंड लेजर्स आर्गन इज़ यूज इन फिलाेंट बल्बस हिलियम गैस बेसिकली एयर बलून एंड एयर शिप्स को फिल करने के लिए यूज़ होती है नियन गैस आई कैचिंग कलर्स की वजह से साइन बोर्ड में यूज़ होता है जिनॉन फ्लैश बल्बस और लेजर्स में यूज़ होता है इसी तरीके से एर्गन यूज़ होता है फिलामेंट बल्ब में फिलामेंट बल्ब इज़ अ बल्ब दैट प्रोड्यूसिस लाइट बाय हीटिंग अप अ फिलामेंट ऑफ वायर इनसाइड अ बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक करंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेपर्स वाटर वेपर्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस इनविजिबल एंड लो डेंसिटी यूजेज ऑफ वाटर वेपर वाटर वेपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन रेन एंड अदर वेदर चेंजेस वाटर वेपर से रेनफॉल होती है क्लाउड फॉर्म होते हैं इसके अलावा वेदर चेंज होता है नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एज वी ऑलरेडी नो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अर्स living being cannot survive without air because they use oxygen for respiration plants use carbon dioxide for photosynthesis similarly ozone is also very important for us it protects us from harmful uv rays of the sun ozone also helps to maintain earth's temperature the process of combustion cannot be carried out air as oxygen in the air supports confusion basically confusion is a process in which a substance reacts rapidly with oxygen and gives off heat air is also responsible for the different weather patterns wind moving air help us to fly aeroplanes ship sailing and parachute gliding ऑक्सीजन लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स यूज़ करते हैं इसके अलावा ओजोन गैस यूज़ होती है यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन अर्थ टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ताकि अर्थ ना बहुत हॉट हो और ना ही बहुत कोल्ड हो कम्फ्यूजन प्रोसेस ऑक्सीजन की वजह से होता है इसके अलावा मूविंग एयर जिसको हम विंड भी कहते हैं की हेल्प से एरोप्लेन शेप्स, बोट्स पैराशूट्स यूज करते हैं टुडे वी डिस्कस्ड प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ेस ऑफ गैसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास टिल देन अल्लाह हाफिज़